हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन इकोनॉमी फुल कोर्स के चैप्टर 6 की बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी। सो बेसिकली इसका एक पार्ट 1 भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो देखने से पहले वो कवर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे FRBM Act 2003 की बात। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट के खर्चे उसके रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, तो एक इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट होता है। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे एक इकोनॉमी को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, ये हमने पार्ट वन में कवर कर लिया है। तो लेट्स हैव अ ब्रीफ कि जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो एक इकोनॉमी की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, रेटिंग्स एक इकोनॉमी की डाउनग्रेड हो जाएगी, वो और बोरो नहीं कर पाएगी, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही अनडिजायरेबल रिजल्ट जो है एक इकोनॉमी जो है वो फेस करेगी। तो FRBM Act 2003 आता है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हमें 3% तक कंट्रोल करना है 2008 टू 2009। तो बेसिकली ये एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट पे एक रोक लगा रही है, एक टारगेट लगा रही है कि हमने 3% ये अचीव करना है 2008 से 9 तक। देन गवर्नमेंट बोलती है कि बोरोइंग जो है सिर्फ एसेट क्रिएशन के लिए करनी चाहिए। तो बेसिकली कोई भी बोरो आप कर रहे हैं उससे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, तो रोड आपका एक एसेट है। ये नहीं कि आप कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए बोरो कर रहे हैं। तो आपकी कंजम्पशन नीड्स क्या है कि जैसे कि पब्लिक एक्सपेंसिव है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसिव है, आपके एम्प्लॉयज को पेमेंट करी जा रही है, तो इन सब चीजों को ना इम्पोर्टेंस देके हमें एसेट क्रिएशन जो आगे प्रोडक्टिवली हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेंगे उस चीज के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए हमें कंट्रोल करने के लिए बोरोइंग जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद RBI कैन नॉट बी द प्राइमरी लेंडर। तो ऐसा नहीं है, ये जो डेफिसिट है अब बहुत तरह से फिल हो सकता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट मार्केट से बोरो कर सकती है। तो गवर्नमेंट मार्केट्स के कैसे बोरो करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, बॉन्ड्स आपको सेल करती है, आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट देती है और एक तरह का लोन आपसे ले रखा है। दूसरा, गवर्नमेंट RBI के पास जा सकती है और वो ये लोन ले सकती है और RBI को ये भी कह सकती है आप मनी प्रिंट करके हमें दे दो। तो RBI जो है प्राइमरी लेंडर नहीं हो सकता। तो RBI शुड बी द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो बेसिकली जब वो मार्केट से पैसा नहीं उठा पा रही तभी उसको RBI के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब RBI के पास जाएगी तो यानी उसकी मॉनिटरी पॉलिसी को भी वो फिस्कल पॉलिसी से इफेक्ट कर रही है, जो एक इकोनॉमी के लिए की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता और उसकी रेटिंग्स भी डाउनग्रेड होती है। तो RBI जो है वो प्राइमरी लेंडर नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ये 3% का टारगेट 2008 टू 9 में अचीव नहीं कर पाती ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और गवर्नमेंट जो है ये टारगेट अचीव नहीं कर पाती। और इस FRBM में हमने एक डेट GDP रेशियो का भी जो था वो टारगेट रखा था, दैट इट हैज टू बी 60% बाय 2024 टू 25। तो जब वो टारगेट अबॉलिश हो गया तो ये भी रिव्यू होगा आगे चल के। और बेसिकली हम इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं। एक है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में क्या होता है, इस स्टेटमेंट में ये जो 6 चीजें हैं, आपका रेवेन्यू डेफिसिट RD ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, डेट GDP रेशियो, टोटल आउटस्टैंडिंग डेट, इन सब चीजों का एक टारगेट दिया जाता है जो अचीव करना एक स्पेसिफिक पीरियड तक पूरा है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट इशू करती है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, अलॉन्ग विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है ये FRBM के तहत पब्लिश किए जाते हैं। सो अब क्या होता है, जब 2003 में ये टारगेट्स रखे जाते हैं तो FRBM को रिव्यू करने के लिए 5 मेंबर कमिटी बैठती है 2016 में। तो ये कमिटी जो है 2017 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है कि 2003 के टारगेट्स कितने अचीव हुए और हमें क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। अब हमें पता है 2008 टू 9 तक 3% टारगेट तो फिस्कल डेफिसिट का अचीव हो नहीं पाया था। तो उसके लिए अब क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है ये जो 3% का टारगेट है इसको रिवाइज कर देते हैं 2019 टू 20, ये NK सिंह कमेटी बोलती है। उसके साथ साथ ये बहुत ही एक इनोवेटिव चीज प्रपोज करते हैं, ये बोलते हैं कि फिस्कल काउंसिल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इस फिस्कल काउंसिल का रोल क्या होगा, ये 3 मेंबर एक काउंसिल होगी जो डिसाइड करेगी कि इस ईयर हमें कितना टारगेट रखना चाहिए। और अगर सपोज कीजिए कि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, एक इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, तो ये कमिटी डिसाइड करेगी कि क्या इस साल हम फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव को ब्रीच कर सकते हैं। इसको हम एस्केप क्लॉज भी कहते हैं। तो बेसिकली ये कमेटी ये डिसाइड करती है कि क्या सिचुएशन है कि हम
फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को ब्रीच करे। या तो ये कमेटी कह सकती है कि क्योंकि एक इकोनॉमी का बहुत बूम फेस है तो अब हम फिस्कल डेफिसिट 3.5% की जगह 2.5% जो है इकोनॉमी को करना चाहिए। तो ये जो छोटा मोटा जो टारगेट से हिलने की बात है तो ये कमेटी वो प्रपोज करेगी। हालांकि इनको मानना ना मानना गवर्नमेंट के हाथ में है, बट ये कमेटी जो है, ये जो फिस्कल काउंसिल है, ये सजेस्ट करेगी। ये एनके सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था। उसी के साथ साथ अब इन्होंने बोला था कि डेट जीडीपी रेशियो को 40% तक कम किया जाए। पहले 60% की बात हुई थी, बट ये अब न्यू टारगेट सेट कर रहे हैं कि 40% तक हम इसको अचीव करेंगे। तो अब जब भी ये 3% फिस्कल डेफिसिट की बात आती है तो न्यूज में एक चीज बहुत आ जाती है, दैट इज ऑफ बजट फाइनेंसिंग। तो हम लोग बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट 3% अगर अचीव हो भी जाता है तो वो रियल फिस्कल डेफिसिट नहीं है इकोनॉमी का। तो देयर आर मेनी हिडन थिंग्स जो गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है और वो दिखता नहीं है हमारे फिस्कल डेफिसिट में। तो हमें ज़रूरत है कि हम वो सब चीज़ों को नोटिस में लाएं और उस सब चीज़ों को भी डील करें। लेकिन अब क्या है, अगर वो सब चीज़ों को हम नोटिस में लाएंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊंचा चला जाएगा और हमारी जो इंडिया की रेटिंग है वो खराब हो जाएगी। तो उस और बजट एक्सपेंडिचर को देखते हैं वो क्या होता है। तो बेसिकली अब हमें पता है कि बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर। उसी तरह एक स्कीम है फूड सब्सिडी की, जहाँ पर राशन शॉप्स में फ्री राशन दिया जाता है। अब वो ये सब जो कैरी करने के लिए जो नोडल एजेंसी है, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नाउ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो आपकी है उसको उसको कुछ सब्सिडी मिलती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है कि आप इतना ग्रेन जो है फ्री में दीजिए, हम उसको आपके पैसे देंगे। तो ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है गवर्नमेंट से उसको पैसे चाहिए। तो आप गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट बोलेगी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, उसकी जगह गवर्नमेंट अपने कुछ बॉन्ड्स इशू कर देगी। या बेसिकली जो उसकी नेशनल सेविंग स्कीम है जहां पर लोग पैसे डिपॉजिट कराते हैं, तो वो अपने बजट से ना देकर नेशनल सेविंग स्कीम से पैसे लेकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे देगी, या नेशनल सेविंग स्कीम्स के कुछ बॉन्ड्स जो है वो FCI को दे देगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपने आप से पेमेंट ना करके अपनी किसी एजेंसी से पेमेंट करवा देती है। तो जैसे कि कोई रेलवे प्रोजेक्ट बनना है तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन रेलवे से ही बोरो करके वो प्रोजेक्ट के पैसे दे देती है, जबकि वो पैसे देने बनते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ हम कहते हैं कि ये एजेंसीज जो हैं ये भी तो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो FCI है, नाबार्ड है, ये सब गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। तो अगर हमने इन एजेंसीज से बोरो कर रखा है तो एक तरह से ये गवर्नमेंट ने ही तो बोरो करा हुआ है। अगर वो FCI को कुछ पे करने के लिए बोरो कर रही है कहीं से, तो वो एक्चुअल में गवर्नमेंट का डेट है। तो ये सब चीज़ें आपका फिस्कल डेफिसिट में रिकॉर्ड नहीं होती, ये सब चीज़ें। सो बेसिकली अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नेशनल सेविंग स्कीम से पैसे उठा के दिए जाते हैं तो ये चीज़ आपका फिस्कल डेफिसिट में रिपोर्ट नहीं होती। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग है, जो फाइनेंसिंग गवर्नमेंट कर रही है पर अपने नाम से नहीं कर रही, अपनी एजेंसीज के थ्रू जो है फंड्स दे रही है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स जो एक्चुअल में सेंट्रल बजट से जाना चाहिए, तो वो उसको हम ऑफ बजट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो हम काफ़ी डिबेट्स इसके बारे में भी होती है कि इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। नाउ वी कम टू वन टर्म, जीरो बजट, जीरो बेस बजटिंग। सो कभी भी हमें जब प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो अब इन सब प्रोजेक्ट्स में से गवर्नमेंट हैज अ चॉइस कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना। तो गवर्नमेंट स्टार्ट्स, तो अब ये कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है इसमें नहीं। तो अब क्या होता है कि सपोज एक प्रोजेक्ट एक साल पहले स्टार्ट हुआ था, बट अब हम देखते हैं कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट से बहुत कम है, तो वो बहुत ही फेल हो रहा है प्रोजेक्ट। तो यूजुअल प्रैक्टिस क्या होगी कि बट अब हमने इतना स्पेंड कर दिया है इस बजट में तो अब इसको फंड आप कर ही दीजिए। लेकिन जीरो बेस बजटिंग इस चीज के अगेंस्ट है। वो बोलती है कि नो मैटर उस प्रोजेक्ट पे कितने पैसे लग चुके हैं, हम बेस जीरो से एनालाइज करेंगे। अगर उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है तभी हम उस प्रोजेक्ट में और पैसे लगाएंगे, अदरवाइज जितने पुराने बजट में पैसे लगे हैं वो हमारे लिए जीरो है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली आपके जो ओल्ड प्रोग्राम्स है अगर वो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं होते तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और हम स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम देखेंगे अगर द प्रोजेक्ट इज वायबल तो तभी हम उसमें पैसे लगाएंगे। कोई न्यू प्रोजेक्ट है और पुराना प्रोजेक्ट है तो हम, अगर न्यू प्रोजेक्ट हमें लग रहा है ज्यादा वायबल है तो बेसिकली हो सकता है पुराना प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा है कॉस्ट से, लेकिन अब जो न्यू प्रोजेक्ट है वो हमें
और भी अच्छा लग रहा है, तो हम न्यू प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे। बट इसका एक प्रॉब्लम ये है, इसको फॉलो करने में कुछ सारे जो प्रोग्राम्स है वो पहले पॉवर्टी एलिवेशन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो ये फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें बेनिफिट कॉस्ट की कोई बात ही नहीं आती, वो सिर्फ पुअर की अपलिफ्टमेंट के लिए है। अब हम पब्लिक डेट की बात करते हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट जो बोरो करती है अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, उसको पब्लिक डेट कहा जाता है। तो बेसिकली पब्लिक डेट जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल डेट जब गवर्नमेंट अपने ही ऑर्गन से बोरो करती है तो वो इंटरनल डेट होती है। एक्सटर्नल डेट जब गवर्नमेंट अब्रॉड से बोरो करती है तो दैट इज योर एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट बेसिकली गवर्नमेंट जो है जो पैसे उठाती है थ्रो ओपन मार्केट, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या हुआ अपने बॉन्ड्स जो थे वो इशू कर दिए मार्केट में, अब जो जनरल पब्लिक है वो बॉन्ड्स बाय करेगी, जब वो बॉन्ड्स बाय करेगी तो वो गवर्नमेंट को कुछ पैसे देगी, तो बेसिकली एक तरह से गवर्नमेंट का लोन है। और दूसरी तरफ ये बॉन्ड्स जो है वो आरबीआई को भी इशू कर सकती है, ठीक है। उसी तरह गवर्नमेंट कुछ सेविंग स्कीम्स चलाती है, तो बेसिकली आप पीएफ में इन्वेस्ट करिए, ये आप स्कीम में इन्वेस्ट करिए, आप पैसे दीजिए उससे रिटर्न लीजिए, तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या है डेट रेस कर रही है। लेकिन क्योंकि ये डेट या तो जनरल पब्लिक से है या आरबीआई से है, तो इसको हम इंटरनल डेट बोलते हैं। लेकिन एक्सटर्नल डेट वो है जो बाहर से अब्रॉड से मनी बोरो। ये एक्सटर्नल डेट दो तरह में डिवाइडेड होता है, एक तो रुपी डोमिनेटेड डेट और एक सॉवरेन डेट। सो बेसिकली जो डेट रीपेबल है इन द फॉर्म ऑफ रुपी, जो डेट वापस आपको रुपी में करना है, उसको हम रुपी डोमिनेटेड एक्सटर्नल डेट कहते हैं। लेकिन जो आपको एक्सटर्नल डेट फॉरेन करेंसी में रीपे करना है उसको सॉवरेन डेट बोला जाता है। तो बेसिकली रुपी डोमिनेटेड डेट जो होता है उसका फायदा ये होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट ने पैसे लिया है तो उसको रुपी में ही वापस करना है, तो अगर आपका रुपी डेप्रिशिएट भी हो गया बाय चांस, रुपी की वैल्यू कम हो गई, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्योंकि ज्यादा है तो आपको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। नो, यू हैव टू पे द सेम अमाउंट। ये मसाला बॉन्ड्स एक तरह के रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ही हैं। इनका जो इंट्रिंसिक फीचर है वो ये है कि बाहर बैठी हुई कोई एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है वो इशू करती है रुपी डोमिनेटेड, इसका जो सारा फॉरेन रिस्क है, तो बेसिकली अगर फॉरेन करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो गई तो फॉरेनर्स को नुकसान होगा, तो वो सारा जो रिस्क है वो फॉरेनर्स ही बेयर करते हैं, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता रुपी अप्रिशिएट हो रहा है डेप्रिशिएट हो रहा है, वो उतने ही पैसे वापस करेगी जितना रुपी में बनता है। सॉवरेन डेट क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, तो बेसिकली अगर रुपी की वैल्यू कम हो गई तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो मेजर पोर्शन ऑफ डेट है वो रुपी डोमिनेटेड डेट ही है, मसाला बॉन्ड्स बहुत गवर्नमेंट इशू करती है, तो सॉवरेन डेट नहीं लेते क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का रिस्क रहता है, इस वजह से नहीं लेते। और क्या बातें होती हैं, कब गवर्नमेंट सॉवरेन डेट की तरफ जाएगी, तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी मार्केट से पैसे उठा ही नहीं पाती, नो मैटर वॉट इट डज इट इज नॉट एबल टू बोरो फ्रॉम आर ओन कंट्री। इस चीज में गवर्नमेंट को बाहर जाना जरूरी हो जाता है, बाहर से बोरो करना जरूरी हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट इतना बोरो कर लेती है हमारी कंट्री से कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचता ही नहीं बोरो करने के लिए, तो बेसिकली क्राउडिंग आउट इसी को कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तब गवर्नमेंट को बाहर जाना पड़ेगा। प्लस इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाते हैं जब गवर्नमेंट बार बार डोमेस्टिक करेंसी में, मतलब कि डोमेस्टिक मार्केट से बोरो कर रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है, तो ये सब चीजें जब होती है तो गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता और गवर्नमेंट बाहर से यानी सॉवरेन डेट जो है बोरो करती है, और इससे एक अगर ज्यादा बोरो कर ले तो एक सॉवरेन डेट क्राइसिस होने के भी चांसेस होते हैं। सॉवरेन डेट क्राइसिस जब इंडिया बेसिकली बहुत ज्यादा सॉवरेन डेट में चली जाएगी। अब ये दो टर्म्स हम यूज करेंगे, दैट इज फिस्कल ड्रैग एंड फिस्कल क्लिफ। तो फिस्कल ड्रैग की जब हम बात करते हैं तो ये तब होता है, तो सपोज एक इकोनॉमी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और वेजेस ज्यादा होने से क्या होगा कि इनकम टैक्स की स्लैब्स तो वही रहती हैं, तो लोग हमेशा हायर इनकम टैक्स की स्लैब्स में पहुंच जाते हैं। ड्यू टू हायर इनकम टैक्स स्लैब व्हाट हैपेंस इज कि आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जब जब ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा तो कम इनकम बचेगी कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, जब डिमांड ही नहीं है गुड्स की तो प्रोड्यूसर्स को प्राइसेस जो है वो कम करने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दिस इज अ इस फिनोमिना को फिस्कल ड्रैग कहते हैं। तो बेसिकली जब ज्यादा ग्रोथ हो रही है इन्फ्लेशन हो रही है तो ये जो टैक्सेस है, अगर कोई प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम है जहाँ पर
हायर इनकम टैक्स इनकम वाले लोगों के लिए ज्यादा टैक्स है, तो वो ऑटोमेटिकली ये ड्रैग के थ्रू, फिस्कल ड्रैग के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है। उसी तरह एक टर्म है फिस्कल क्लिफ। तो बेसिकली फिस्कल क्लिफ हम ये कहते हैं कि सपोज एक इकोनॉमी ने टैक्स कंसेशन दिए हुए, टैक्स बहुत कम ले रही है, अब सडनली वो रियलाइज करती है गवर्नमेंट का तो बजट डेफिसिट बहुत हाई जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई जा रहा है, अब हमें टैक्स कंसेशन को कम करना चाहिए। इस वाले केस में क्या होगा कि ग्रोथ एकदम से गिर जाएगी, क्योंकि जब टैक्स कंसेशन कम होंगे एक इकोनॉमी के तो उससे क्या होगा कि डिमांड भी कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो जीडीपी कम हो जाएगा, तो एक इकोनॉमी जो है क्लिफ से गिर जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं फिस्कल क्लिफ। एंड ये एक टर्म यूज किया था जब बाराक ओबामा ने टैक्सेस कंसेशन जो थे बहुत कम कर दिए थे टू कटेल द फिस्कल डेफिसिट। नाउ दिस वाज ऑल इन द फिस्कल पॉलिसी। अगर कुछ टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है या इफ यू वांट टू मी टू कवर सम टॉपिक्स इन दिस चैप्टर सिक्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट टू शेड्यूल अ डाउट सेशन, बेसिकली आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, आप कॉमेंट्स में भी पूरे नहीं आ सकते और आप एक सेशन शेड्यूल करना चाहते हो, तो ये मेरी ईमेल आईडी, आप मुझे लिख के इस पे टाइम दीजिए जिससे हम वी कैन शेड्यूल अ डाउट सेशन ऑन जूम कॉल, या अकॉर्डिंगली हम शेड्यूल कर लेंगे। So that was all. Thank you so much.